था ना, मतलब आने वाले 24 घंटे में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया नहीं, पर मुंबई के तबाह होने के चांसेस जरूर है। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, अगले 24 घंटों में पूरी मुंबई तबाह हो जाएगी। राजेश भाई सुनो सुनो सुनो, क्या बेटी तबाह? पूरे मुंबई का पता नहीं, क्योंकि एस्ट्रॉइड के डेब्रिज का साइज पता नहीं, लेकिन ये गिरेगा जरूर, सो बी प्रिपेयर्ड। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी अभी डॉक्टर स्थाना का स्टेटमेंट सुना है, मुंबई के किसी भी इलाके में ये एस्ट्रॉइड गिर सकता है, इसीलिए आप सतर्क रहें। अच्छा तो पड़ोसी देश में गिर जाता, मुंबई में क्यों? मुंबई ने क्या बिगाड़ा था? ओ हर्षद भाई, ये एस्ट्रॉइड गिरे ना गिरे, लेकिन ये जो आपकी सोच है ना कि पड़ोसी देश पर गिर जाना चाहिए, ये थिंकिंग, ये मेंटालिटी सबसे ज्यादा डेंजरस है। वहां भी तो लोग ही रहते हैं ना, तो हमारे ही भाई बहन है। वहां ऑफिस में एक चंदू है और यहाँ एक आप है। लेकिन डैडी, मान लो कुछ हो गया तो कितना मजा आएगा ना, लोग मुश्किल में होंगे और हम लोगों को बचाएंगे। हाँ ब्रो, फिर हम लोग ना इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे और फर्स्ट एड देंगे, शायद हमको ब्रेवरी अवार्ड भी मिले। और नहीं तो क्या, और फिर 26 जनवरी को हम हाथी पे बैठकर। अरे क्या हाथी पे बैठ के, जब खुद बचोगे तब दूसरों को बचाओगे ना। अरे न्यूज सुनो ना प्लीज, सुनने दो। आज की रात जागते रहिए, क्योंकि क्या पता कल हो या ना हो। मैं इस 1% चांस को छोटा नहीं समझता, आने वाली इस तबाही का हिस्सा कोई भी हो सकता है, मैं भी, आप भी और आप भी। सो बी प्रिपेयर्ड। बंद करो ये किटू, बंद करो ये। ये इसरो या नासा ने कंफर्म की है न्यूज? नहीं, ये एक अफवाह है। चेहरे देखो सबके डरे हुए। सिर्फ सखी दीदी के चेहरे पर डर नहीं दिख रहा। वाह सखी दीदी, पता है जब सखी दीदी लिफ्ट में बंद हो गई थी तब भी नहीं डरी थी। मुझे बार बार खौफनाक सपने क्यों आ रहे हैं? कहीं मेरी मौत का सपना सच तो नहीं होगा? You were my best friend. तुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हर चीज में आगे रहने की जरूरत नहीं थी, इस चीज में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों किया ये तुमने? मुझे एक बार बता तो देती, मैं कभी जान ही नहीं पाया कि तुम्हारे मन में क्या था। मुंबई में गिरेगा रात 8 बजे। सो बी प्रिपेयर्ड।
Let's make our bucket list, guys. अथर्व को सॉरी, दादा दादी को थैंक यू और सॉरी। अरे बचपन से सुनते आए हैं, एस्ट्रॉइड टकराएगा, एस्ट्रॉइड टकराएगा। कहाँ टकराया? नहीं टकराता है, फालतू की। टकराता तो वो आ गया। देखो वो आ रहा। वो धक्कू भाई, अरे हवाई जहाज है वो। क्या धक्कू? हम आपका पैनिक फैला रहे हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। राजेश अंकल इज राइट, मुझे लगा सबको पता होगा। क्या एक नई मूवी आ रही है उसके प्रमोशंस के लिए ये सब किया है उन लोगों ने। अब मूवी का नाम है एस्ट्रॉइड का कहर। उन लोग का एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम भी हो रहा है अभी, देखो। मुंबई में तबाही आएगी, तबाही। गॉट इट, फैंटास्टिक गर्लफ्रेंड डन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको हमारा ये? आपका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए हमें ये करना पड़ा। Now wait is over. We are very happy to announce that our new film, Asteroid का क्या लोग हैं? ये पिक्चर तो देखना ही नहीं है। हाँ। See, इन लोगों ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा आइडिया खोज निकाला। एंड ये जो साइंटिस्ट है ना, ये कोई एक्चुअल साइंटिस्ट नहीं है, he is also an actor in the film. ठीक, निर्दयी, निर्लज्ज। इन लोगों के भाईयात आइडिया के वजह से पूरी मुंबई में खौफ फैल गया। हाँ। इन लोगों को सूख कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। बस 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 बस, मैं वही बोल रहा था। इनफैक्ट ये जो न्यूज चैनल है ना, वो भी कमाल करते हैं, वो भी साथ देते हैं। ये कितना गलत है, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करोगे? हाँ, ये फेक न्यूज तुम लोग टीवी पर दिखाओगे? दिस इज रियली सीरियस। होने दो क्या, ये न्यूज चैनल वालों पे तो केस ठोक देना चाहिए चालरों पे। केस ऑलरेडी हो चुका है एंड गवर्नमेंट, फिल्म मेकर्स और ये जितनी भी न्यूज चैनल्स है सब पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। बिकॉज़ दिस इज अ क्राइम। और नहीं तो क्या, दिस इज अ सीरियस क्राइम। लोग कितना डर गए थे, जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा था तो? है कि नहीं? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट राज, बहुत ही गलत है ये। पर मैं सच्ची बोलूं तो एक चीज के लिए मुझे पॉजिटिव लग रहा है। क्या? कि मामला तो क्लियर हुआ, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने घर जाओ। सखी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? क्या था? यू वर सेइंग इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्या हुआ, क्या कहना था? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। संभाल। गुनगुन क्या चल रहा है? कुछ नहीं मत बोलो। वो नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। हाँ, थैंक यू।
जब हेलो 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 जब गुनगुन ने हमें तुम्हारे ड्रीम के बारे में बताया था तभी हम समझ गए थे कि तुमने अपना ड्रीम वो एस्ट्रॉइड वाली ये न्यूज और वो लिफ्ट वाला एक्सीडेंट ऐसे तीनों को कनेक्ट कर दिया और इसलिए बट इट्स ओके होता है ऐसे आई फील लाइक अ फूल नाउ नो 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 डोंट फील लाइक अ फूल यू आर अ फूल डैडी मत बोलो छोटी सी फूल बस थोड़ी सी नहीं फूल अच्छा सुन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तेरी जगह कोई और भी होता ना इस सिचुएशन में तो ऐसे ही बिहेव करता You should be grateful instead. हाँ हाँ, she is a great fool. Hey बाप. Great fool. You should be grateful कि हमारे पास साईं बाबा हैं. तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हम सब का ध्यान रखने के लिए है ना? जी दे रहो. अरे. लेकिन ये situation हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखा गई है कि किसी भी news को ना ऐसे आंखें मूंद कर सच नहीं मानना चाहिए. Yes. हम चाहे कितने भी डरे हुए हो, हालात कैसे भी हो, we should never panic क्योंकि पैनिक में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है जल्दबाजी में लिया हुआ कदम हमेशा गलत गिरता है और अक्सर हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है मैं बस अरे मैं बस जैसे जैसे हमारे श्री श्री 108 पूज्यपाद अथर्व महाराज जी हो गए वीडियोस अच्छा वीडियोस देख देख कर हाथ देखना सीख रहे थे लकलाइन को लाइफलाइन समझ बैठ लाइफलाइन ना सही आपकी लक लाइन तो छोटी ही है वो तो है क्या कुछ क्या हेलो सखी सखी दीदी अरे किसको सीरियसली ले रही है अरे मैं सीरियस हाँ देखना छोड़ दे बेटा सखी दीदी अरे रोक फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़